पर कह सकते हैं उस समय महाराणा, जैसे आप थोड़ा सा महाराणा से प्रणाम करें, महाराणा साहब सज्जन सिंह ने उस समय इनको यहाँ पे जगह दी थी, जो नवलखा महल बनाया था, और पूरा जो उनको ये पता था कि यहाँ आने वाले समय में, मतलब यहाँ के महाराणाओं की आप सोच देखें, उस समय की सोच ही आज उदयपुर को आप देखिए पूरी देखने आ रहे हैं। चीन चाइन के बाद बहुत सबसे बड़ी वॉल यहाँ पे थी, और जो पानी का जो आज है, आज भले ही स्मार्ट सिटी बन गया उदयपुर सिटी, कुछ भी कर रहे, मगर वो जो झीलों की जो थी, और झीलों की जो उस समय निर्माण जो यहाँ के महाराणाओं ने किया, उस समय ऑलरेडी उदयपुर वो था। और आप देखिए उस समय जो महाराणा महाराणा फतेह सिंह ने ये वाला बनाया, सजनगढ़ वाला पोर्शन बनाया, ऐसी कई चीजें यहाँ पे उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर। ये कौन सी पेंटिंग है? ये पेंटिंग महाराणा सज्जन सिंह की बताई गई है, जिसने सजन निवास बाग बनाया। और इतना बड़ा बाग होने के बाद महाराणा उदय महाराणा सज्जन सिंह की कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं है, ये बाग होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो सजन गार्डन है, वो इतना बड़ा गार्डन बनाया उस समय की बड़ी सोच रखते हुए, और कोई मूर्ति सज्जन सिंह की नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस मांग को पूरा करने के लिए आप भी सहयोग करें, हम भी जिला प्रशासन से मिलेंगे और महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति सन्मार्ग में लगाने के प्रयास करेंगे, जिसका गुलाब बाग नाम रखा गया। हकीकत वहां पे 100 तरह के उस समय गुलाब हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम गुलाब बाग रख दिया। अन्यथा इसका ओरिजिनल नाम कहीं लोगों से पूछा जाए तो सज्जन निवास बाग है, और जो कहते हैं पुराने लोग बाग शेर के फाटक है, वहां पे जैसे लिखा हुआ भी है, आज भी लिखा हुआ है। तो इसको देखते हुए आपके चैनल के माध्यम से अगर ये जागृति आ जाए और महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति अगर लग जाए, और यहाँ के जो महाराणाओं के पूर्वज जो यहाँ के अभी है, उनसे भी हम मांग करके आपके चैनल के माध्यम से महाराज कुंवर लक्ष्मण सिंह जी व्यवहार से भी कहेंगे कि भाई वो ये महाराणा प्रताप की मूर्तियां तो उदयपुर में कहीं लग चुकी है, मगर एक सज्जन सिंह जी की वाकई में लगे, जिन्होंने सज्जनगढ़ बनाया, जो आज विश्व के अजूबे में माना जाता है, उसको 9 मंजिल बनाने का था, मगर वो 9 मंजिल नहीं बन पा सका, मगर आज भी उसके अंदर 1,95,500 लीटर गैलन पानी उस सज्जनगढ़ के अंदर सेफ सिक्योर रहता है, जो आज अपन कह रहे हैं ना पानी को बचाओ, बारिश का मौसम का पानी 12 महीने वहां रहता है, पर बाहर से आज भी कहीं लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है। और उस समय उनकी सोच देखी आर्किटेक्ट कैसा था। महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः जोर आपसे प्रार्थना करते हैं, और देखने वाले से प्रार्थना करते हैं कि आओ हम सब जने मिलके अपने उदयपुर को और ज्यादा सुंदर बनाए, और महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति के लिए अपन सब प्रयासरत करें, यही हमारी वो रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी सुंदर बातें आपको मिली हैं, और मैं आपको बता दूं कि अंधविश्वास के प्रति बहुत ही, देख सकते हैं सारी तस्वीरें हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, एक से बढ़कर एक कृति झांकी में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या संदेश दिए हैं अंधविश्वास के खिलाफ। कैसा अनुभूति हुई आपको? बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है इतिहास के बारे में। जी इतिहास के बारे में जो चीजें अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, हमारी आम जनता को ले लो या कोई भी ले लो, तो बहुत लोग इन चीजों से अनजान है, अनभिज्ञ है। तो ये जो एक माध्यम मिला है, मेरा मानना यही है कि सभी को आकर एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी हमारे उदयपुर का इतिहास, हमारे मेवाड़, हमारा राजस्थान, और स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो इतिहास है, वो सब नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो जानेंगे, और वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने ये पहल या शुरुआत क्यों की, उस पथ पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करा, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि लोगों को हम ये बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कौन थे, और ये उनकी 200वीं जयंती है, इस उपलक्ष्य में ये द्विवर्षीय कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उस संदर्भ में ये सब किया गया है। तो मेरा यही कहना है कि बस आप एक बार यहाँ अल्लाहबाग स्थित नवलखा महल पधारें और ये सब चीज़ें देखें, आपको स्वयं अच्छी अनुभूति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। श्री ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब ने जो भी पूरा इस आर्य समाज के बारे में और उदयपुर के बारे में और उदयपुर के महाराणाओं के बारे में जो भी बातें की, वो बहुत ही रसप्रद
प्रगति और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ उन्होंने जो भी भाषण दिया अभी आपको, वो बहुत ही आपको अच्छा लगा और आगे भी ये इस उदयपुर को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ऐसी हमारी मन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और उदयपुर में आना ना भूले। आपका नाम क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ऑल इंडिया रेडियो से मैं कैजुअल अनाउंसर हूँ और अनाउंसर होने के साथ साथ मैं भी अपनी जन्मभूमि मेवाड़ भूमि से जो भी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मेरा अनुरोध है एक बार आप महर्षि दयानंद सरस्वती की जो ये भूमि है यहाँ आकर जरूर देखें, क्योंकि इस चीज़ों से बहुत लोग अनजान हैं और मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं वो एक आम इंसान ही है और उन आम इंसान के बारे में हर किसी को जानना अच्छा लगता है, तो वो जो अनुभूति आपको होगी उनके बारे में जान के वो बहुत ही अच्छी होगी, तो मेरा यही कहना है कि एक बार आप बता दें और जरूर विजिट करें। धन्यवाद। नहीं जैसे महाराणा तो गाय के, तो आप देखे से देखते हैं कि कितना सुंदर और भव्य पूरा पांडाल जो है वो बनाया गया है सत्यात प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, ये सुंदर 16 संस्कारों का पांडाल जहां एक से बढ़कर एक जानकारी आप स्कैन करके भी यहां पे जानकारी देख सकते हैं, कौन सी भी भाषा में आप सुन सकते हैं आराम से। और अगर आपको फिल्म देखनी है तो यहां महाराणाओं के ऊपर फिल्म भी आपको जो है दिखाई जाती है। ये सब कुछ जब मूल जी की 14 साल की बहन और उसके पश्चात प्रिय चाचा की मृत्यु हुई तो इनके मन में वैराग्य के भाव प्रबल हो गए। जब मूल जी के इन भावों का पता माता पिता को चला तो उन्होंने इनका विवाह कर देना ही उचित समझा। जब घर में विवाह की तैयारियां चल रही थी तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए मूल जी 22 वर्ष की अवस्था में मारा। तो आप मूवी भी देख सकते हैं, महाराणाओं पर मूवी बनाई गई है, किनका क्या कार्यकाल रहा, सज्जन सिंह जी, भोपाल सिंह जी, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, सभी के बारे में आप विस्तार से मूवी के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस न्यास सांस्कृतिक केंद्र पर अवश्य पधारें और यहाँ के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आपको वैदिक पुराण हर एक संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी।